तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मनोज तेजी जैसा यूट्यूब बनर कैसे बनाए चैनल। देख सकते हो ये मैंने बनाया है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पिक्सल ऐप, ये वाले ऐप। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस थ्री डॉट वाले आइकॉन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। अब ओके कर देना है। अब इस प्लस वाला आइकॉन पे चलते हैं ऊपर पे। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं। ये वाला इमेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको ऐड करना है। इस वाले पीएनजी का लिंक, ये नीचे जो ऑप्शन है इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस वाले जगह पे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 100 कर देते हैं। अब राइट पे क्लिक करते हैं। अब फिर से उस प्लस वाले आइकन पे चल के, लेयर पे चल के इसको लॉक कर देते हैं, नहीं तो ये हिल जाएगा। अब फिर से प्लस वाला आइकन पे चल के फॉर्म गैलरी पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। इस वाले, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ये वाला क्लिक, इसको 100 कर देते हैं, इसको राइट कर देते हैं। फिर कलर के ऑप्शन में चल के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर राइट कर लेते हैं। फिर कलर पे ऑप्शन पे चल के कलर वाले, ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है, ये सेकंड वाला। इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ये देख सकते हो। अब फिर से प्लस वाला आइकॉन पे चल के लेयर वाले ऑप्शन पे चल के इसको लॉक कर देते हैं पहले। अब प्लस वाला आइकन पे चल के फ्रॉम गैलरी पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो फोटो ऐड करना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। मैं जैसे ये फोटो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस फोटो को ऐड करता हूँ। इस फोटो को, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ऐसे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। अब इस पे शेडो देते हैं, शेडो वाले ऑप्शन पे चल के इनेबल कर देते हैं। अब राइट पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हो अभी। अब फिर से प्लस वाले आइकन पे चल के टेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, इसको डबल टैप करके आपके चैनल का नाम डाल देना है। यहाँ पे मैं जैसे अपना चैनल का नाम डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आके फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चल के ये नीचे जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके ये जो फॉन्ट वाले ऑप्शन है ए बी का, यहाँ पे क्लिक करके माय फॉन्ट पे क्लिक करके ये वाला फॉन्ट ऐड कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको ऐसे जूम कर लेना है। इस प्रकार से अब लेयर वाले आइकन पर चलिए सबको लॉक कर देते हैं, नहीं तो हमारा बिगड़ जाएगा ये इधर उधर। फिर से प्लस वाला आइकन पे चल के फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके ये इंस्टाग्राम का
इसको ऐड करते हैं इंस्टाग्राम का PNG। यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं, प्लस वाला आइकॉन पे चल के टेक्स्ट पे चल के आपका इंस्टाग्राम का नेम डाल देना है। मैं जैसे अपना इंस्टाग्राम का नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे लगा लेना है। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ से, अब इसको बोल्ड कर देना है। इस कलर वाले ऑप्शन पे चल के ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये स्टाइल वाले ऑप्शन पे चल के बी वाले ऑप्शन पे चल के बोल्ड कर देना है। अब स्टॉक पे चल के स्टॉक को इनेबल कर लेना है, व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब शेडो पे चल के इनेबल कर लेना है, राइट पे क्लिक कर देना है। अब इसको लॉक, अब इस वाले को भी शेडो दे रहा हूँ, चैनल का नाम वाले को, चैनल का नाम का भी शेडो लगा रहा हूँ ताकि अच्छा दिखे। अब इसको लॉक कर देते हैं। अब फिर से प्लस वाला आइकन पे चल के टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डबल टैप, आपका चैनल जन जन से कैटेगरी का है उस कैटेगरी का डाल देना है। मेरा चैनल एडिटिंग का है तो मैं एडिटिंग कैटेगरी डाल रहा हूँ। यहाँ से एडजस्ट कर लेना है इसको, स्टाइल पे जाके बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, बोल्ड कर देना है। अब राइट पे क्लिक करना है, शेडो भी डाल ले रहा हूँ, शेडो वाले ऑप्शन पे चल के इनेबल कर लेना है शेडो को, राइट पे क्लिक। यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर से प्लस वाला आइकन पे चल के फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके इस वाले PNG को ऐड करते हैं। इसको यहाँ पे लगा लेना है इस लाइन के उस पर, ये जो लाइन दिख रहा है ना इसके उस पर, और इसके एक डुप्लीकेट बना लेना है। यहाँ पे क्लिक करके ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके इन दोनों को इनेबल कर लेना है, इस वाले ऑप्शन को और नीचे वाले ऑप्शन को, दोनों को एक एक बार क्लिक करके राइट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं। और कलर पे चल के इनेबल कर रहा हूँ और ये वाला कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले कलर को, इसको क्लिक करके प्लस वाले आइकॉन पे चल के इन तीनों को एक साथ रख देते हैं। देख सकते हो गाइस, यूट्यूब बैनर हमारा बन चुका है अभी। अब इसको लेयर पे चल के इस सारे को लॉक कर रहा हूँ, लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेकंड में जो ऐड किए थे उसको डिलीट कर देना है, इस वाले लेयर को डिलीट कर देना है। तो देख सकते हो अभी हमारा यूट्यूब का बैनर जो है बन गया है। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करके यहाँ के इसको PNG कर लेना है, JPG को फॉर्मेट को यहाँ पे क्लिक करके PNG बना लेना है, PNG पे क्लिक कर लेना है और कस्टम पे सिलेक्ट करके क्लिक करके अल्ट्रा कर लेना है। अब इसको सेव करते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़।